बहुत सारे नए यूट्यूबर्स इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि उसका चैनल सर्च रिजल्ट में नहीं आता। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीका का नया नया वीडियोज पाइए आप जाना। तो आपका चैनल को सर्च रिजल्ट में आना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपका चैनल सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा तब तक आपका चैनल ग्रोथ नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो कैसे आपको अपने चैनल को सर्च रिजल्ट में लाना है और क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। मैं आपको तीन चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ, अगर आप वो कर लिए तो आपका चैनल 101% है कि आपका चैनल सर्च रिजल्ट में आएगा और आपका चैनल ग्रोथ भी करेगा। तो क्या करना है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपने चैनल पे तीन यूनिक वीडियो डालना है और तीन यूनिक वीडियो वो होना चाहिए जिसमें आपको कोई भी कॉपीराइट का कंटेंट नहीं होना चाहिए और आप जो वीडियो तीन यूनिक वीडियो डालेंगे वो एक दिन के गैप होना चाहिए। तो आप जितने भी वीडियो डालेंगे, जितने जल्दी वीडियो डालेंगे, जितना वीडियो डालेंगे उतने जल्दी आपके चैनल जो है ग्रोथ करेगा। दूसरा है कि आपको एक टैग लिखना है, टैग में आपको अपने चैनल को नाम डालना है, अलग अलग तरीक़ों से नाम डालना है और एक साथ नाम डालना है। अगर आप कोई टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक का नाम लिखना है और उसके साथ अपने चैनल का नाम भी लिखना है। और तीसरा है कि आपको एडवांस सेटिंग में जाके वहाँ पे आप अपना चैनल का नाम डालेंगे और अलग अलग तरीके से नाम डालेंगे। जैसे मेरे चैनल का नाम है जूम और मेरे चैनल का नाम है अगर ताज़ा खबर, तो ताज़ा खबर और ताज़ा खबर एक साथ डालना है और ताज़ा खबर अलग अलग ताज़ा फिर खबर और ताज़ा खबर एक साथ डालना है। तो इस तरीके से डालना है और कैसे डालना है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। अपने चैनल को सर्च रिजल्ट में लाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ कि तीन बातों का ध्यान रखना है और तीनों चीज़ आपको फॉलो करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जैसे मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है youtube.com। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ डाला youtube.com तो यहाँ पे आ चुका है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ 3 डॉट है, इस पर पहले आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ डेस्कटॉप साइट जो है इसको आपको इनेबल कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से YouTube ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पिक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये पिक वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को आता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा योर चैनल का, यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे योर चैनल वाला आपको यहाँ इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ कस्टमाइज चैनल, आपको कस्टमाइज चैनल वाले पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कि आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा होगा, ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। सेटिंग वाले पर क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ चैनल का ऑप्शन है, यहाँ चैनल वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको ये ढेर सारा यहाँ पर ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप अपने चैनल को सर्च रिजल्ट में लाने के लिए, जो आपका चैनल सर्च रिजल्ट में आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से आपको देखेंगे कंट्री योर रेसिडेंस, तो आपको यहाँ से सबसे पहले आप अपने देश का कंट्री चूज करेंगे कि आप कौन सा देश से है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है, आप जो भी कंट्री का है इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इंडिया का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इंडिया वाले पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए कि आपका जो है कंट्री यहाँ सेलेक्ट हो चुका है। अब आप अपने चैनल को सर्च रिजल्ट में लाने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे आप अपना चैनल का नाम डालेंगे, इसके बाद आप अपना नाम डालेंगे, अलग अलग तरीक़ों से डालेंगे आपके चैनल किस बारे में है, जैसे कॉमेडी है, एंटरटेनमेंट है, टेक्नोलॉजी है, तो किसके बारे में आपका चैनल है वो आपको यहाँ अलग अलग तरीक़ों से डालना है जिससे आपके चैनल जो है रैंक में आए।
तो सबसे पहले आपका चैनल का नाम इसमें डालिए, आपका कौन चैनल क्या है। जैसे मैं यहाँ पर नीता कुमारी के नाम से बनाया हूँ तो मैं यहाँ पर डालूंगा नीता कुमारी, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं डाल दिया नीता कुमारी। इस तरीके से आपको क्या करना है, कोमा लगाते जाना। यहाँ कोमा का ऑप्शन है, कोमा लगा देंगे। यहाँ देखिए कोमा लग चुका है। इस तरीके से देखिए नीता कुमारी अलग अलग है, आप इसको क्या करना, फिर आपको एक साथ लिखना है। जैसे नीता कुमारी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको लिख देना है नीता। जैसे देखिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ एक साथ नीता। इस तरीके से लिख के आपको यहाँ पर क्या करना, कोमा लगा देना। इस तरीके से आपका कोमा लग जाएगा। इसके बाद आपको अलग तरीका से एक साथ या नाम चेंज कर करके आपको इसमें डाल देना है। आपका चैनल किसके बारे में है, अपने चैनल के बारे में यहाँ पर डालेंगे कि आपका चैनल किसके बारे में है और क्या है आपका चैनल, तो वो आपको यहाँ पर अपने चैनल के बारे में यहाँ पर आपको डाल देना। जैसे देखिए यहाँ पर मैं दो डाला हूँ, तो यहाँ पर जो है ये सेलेक्ट हो चुका है। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर टाइपिंग कर देना। जैसे मैं यहाँ पर अलग तरीक़ों से यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पर टेक डाल के यहाँ कोमा लगा दीजिए। तो इस तरीके से कोमा लगाने के बाद जो है यहाँ पे आपका ये इंटर कीजिएगा इस तरीके से, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आ चुका है, टेक मतलब टेक्नोलॉजी। अब इसको पूरा नाम भी दे सकते हैं, चलिए हम यहाँ पूरा नाम भी डाल देते हैं। इस तरीके से आपको पूरा नाम डाल के यहाँ पर सिंपली कोमा लगाएंगे। जैसे कोमा लगाएंगे तो आपको जो इस तरीके से यहाँ पर भी आप इसे इंटर कीजिए, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर जो है ये आ चुका है। सो इस तरीके से आप जो है अपने चैनल का नाम अलग अलग तरीके से एक साथ और अपना नाम, इसके बाद यहाँ आप कॉमेडी डालिए, कॉमेडी अगर इंटरटेनमेंट है तो यहाँ पर आप इंटरटेनमेंट भी डाल सकते हैं। आपके चैनल पर कौन तरीके से वीडियो अपलोड होता है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरा चैनल का नाम है ताज़ा खबर, तो यहाँ पर मैं डालूँगा ताज़ा। इसके बाद यहाँ पे आप जो है स्पेस डाल दीजिए, इसके बाद ये खबर इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर जाना है, कोमा लगाइएगा और कोमा लगा लग गया, इसे इस पर सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, तो आपको इसी तरीके से ऊपर में देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आ चुका है। अगर मेरे चैनल का नाम है जूम, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा जूम। इस तरीके से आपको जूम डाल देना है। जूम डालने के बाद सिंपली यहाँ कोमा लगाएंगे, यहाँ पर देखिए आपका आ चुका है। जैसे इस पर आपको क्या करना है, इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वो जो है आपका जूम डाले हैं वह देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। इस तरीके से आपको देखिए एक साथ अलग अलग करके अपने टेक जो भी चैनल है उसका नाम डालना है, आप अपना नाम डालना है, वीडियो किसके बारे में है वो डालना है, तो ये जो है आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कीबोर्ड में जो भी डालेंगे और यहाँ पे जो आप जो ही पर्सन YouTube पे आएगा वो सर्च करेगा तो आपका चैनल जो है सर्च रिजल्ट में आएगा। चाहे आपका एक वीडियो हो या 1000 वीडियो हो, मगर आप जो है यहाँ पे कीवर्ड में इसमें जो भी जा रही है कीवर्ड में वो वहाँ पे जो है कोई भी पब्लिक आएगा YouTube पे वो सर्च करेगा तो वो जो है आपके वीडियो को देख पाएगा। तो इस तरीके से आप अपना चैनल के बारे में डालिए, आप अपना नाम डालिए, आपका कौन सा चैनल है वो डालिए, एक साथ डालिए, अलग अलग तरीक़ों से डालिए। तो कीवर्ड का ये मतलब होता है, इसमें आपको कंटेंट चूज कर लेना है, कीवर्ड में इस तरीके से आपको टाइपिंग कर देना है। तो जो भी टाइपिंग करेंगे वो ऐसा ही नहीं होता है, वो सर्च रिजल्ट में आता है आपका। तो इसीलिए आपका चैनल जो भी है, जैसे मेरा यहाँ पर टेक्नोलॉजी चैनल है तो मैं यहाँ अपना चैनल का नाम डाला हूँ। अगर आपका कॉमेडी चैनल है तो कॉमेडी चैनल का नाम डालिए, अलग अलग तरीक़ों से डालिए, एक साथ डालिए, आप अपना नाम डालिए। अगर आपका इंटरटेनमेंट चैनल है तो अलग अलग तरीक़ों से डालिए, एक साथ डालिए। यहाँ पर कीवर्ड में डालने के बाद सिंपली यहाँ पर देखिए ये साइड आठ साइड में आइएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पर देखिए सेव का। तो यहाँ क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है। तो चलिए हम इसको सेव कर देते हैं। तो सेव वाले पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आप डाले हुए हैं कीवर्ड में यह आपको जो यहाँ पे सेव हो चुका है, यहाँ पे जो आप डाले हैं वो सेव हो चुका है। फिर से देखने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला हुआ सेटिंग का, सेटिंग वाले पे क्लिक करके आप जो भी डाले हैं उसको आप यहाँ से देख बहुत अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे चैनल वाले पे और चैनल वाले पर जाने के बाद जो भी आप डालें तो ये यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो डाले हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से अब अगर आप कुछ इसमें और डालना चाहते हैं तो इस तरीके से और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन यहाँ पर हाइड हो चुका है क्योंकि मैं इसको सेव कर चुका हूँ। अगर आप इसमें अगर और ऐड कीजिएगा तो फिर ये इनेबल हो जाएगा। इंटरटेनमेंट लिखने के बाद यहाँ पर देखिए स्क्रॉल डाउन करके इस साइड में आइएगा, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से क्या करना है, आपको इसको आपको सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको सेव कर देना। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो सेव वाले पे क्लिक करके आप इसको सेव कर देना है।
सो इस तरीके से आपको यहाँ कंट्री में इंडिया डाल देना है, कीवर्ड में अपना चैनल का नाम डालेंगे या अपना नाम डालेंगे, किसके बारे में चैनल बना रहे हैं, जैसे आपका टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, वो डालेंगे, एक साथ डालेंगे, अलग अलग तरीकों से डालेंगे। और डालने के बाद सिंपली जो है इस तरीके से मूव करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सेव कर देना है। जैसे सेव कर देते हैं तो आपका चैनल जो है, कोई भी पर्सन जो आपके चैनल पर आएगा वो सर्च करेगा तो बहुत ही आसानी से आपको चैनल को वो सर्च कर पाएगा और आपका चैनल जो है सर्च रिजल्ट में शो करेगा। सो गाइस इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने चैनल को सर्च रिजल्ट में ला सकते हैं। सो गाइस ये वो तीन काम है जो आप कर लिए तो 101% है कि आपका चैनल है ग्रो करेगा, आपकी वीडियोस पे लाइक आएगा और आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।